सब्सक्राइब कीजिए टेकट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में लेके आए हैं टॉप 5 स्मार्टफोन जो आपको मिल जाते हैं 10,000 रुपए के अंडर, अगर आपका बजट है 10,000 रुपए के आसपास और ढूंढ रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन अपने लिए जिसमें अच्छा डिस्प्ले हो, बड़ी बैटरी हो, 4GB 3GB की रैम मिनिमम हो, अच्छी गेमिंग भी आप कर सकें, बहुत बड़ा लंबा बैकअप आपको मिल जाए बैटरी का, तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 स्मार्टफोन के बारे में जिसको आप टॉप 5 भी कह सकते हैं इस वीडियो में, और जानेंगे कि इन 5 स्मार्टफोन में से सबसे बेस्ट आपको कौन सा रहेगा लेने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, इन सभी स्मार्टफोन्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्मार्टफोन्स को जो हमने 5 सिलेक्ट किए हैं उनको हमने रेंज वाइज लगाया है, और नंबर 5 पे जो होगा स्मार्टफोन वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, इसी तरीके से नंबर 1 पे आपको बेस्ट स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक रखा है बेसिक क्राइटेरिया अपने 5 स्मार्टफोन्स के लिए, जो कि है 5000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, कम से कम 3GB की रैम आपको देखने को मिल जाए स्मार्टफोन में, 6 इंच से बड़ा या फिर उसके बराबर का आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाए, और एक डिसेंट सा प्रोसेसर भी हो जिसमें आप अच्छी खासी ठीक ठाक गेमिंग यहाँ पे कर पाएं। तो ये हमने रखा है इस सीरीज का बेसिक क्राइटेरिया। सबसे पहले आता है 5वें नंबर पे Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का Redmi 8A, और इसमें आपको मिल जाती है 5000mAh की एक सबसे बड़ी बैटरी, धासु बैटरी आपको देखने को मिलती है, 3GB की रैम आपको यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में लगा है Qualcomm का Snapdragon 439 का प्रोसेसर जो आपको एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। इसमें आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलती है 3GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है बैक पैनल पे डुअल कैमरा सेटअप 13MP और 2MP का, एक डिसेंट सा कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो भी स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा, जो कि 8MP का यहाँ पे दिया गया है। नेगेटिव पॉइंट इस स्मार्टफोन का ये है कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से ये 5वें नंबर पे हमारी लिस्ट में आता है। इसके एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाता है 87,356 का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की गेमिंग एक्सपीरियंस आप इस स्मार्टफोन पे कर पाएंगे। स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको मिल जाता है 8,999 रुपये की कीमत में, जो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए 5वें नंबर के हिसाब से बन जाता है। 4थे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे हमने स्मार्टफोन रखा है जो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। इस स्मार्टफोन में भी आपको मिल जाती है 5000mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी, 6.6 इंच का फुल HD+ का डिस्प्ले। यहाँ पे दी गई है 4GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। कैमरा की बात करते हैं तो 48MP +2 और +2 मतलब 3 कैमरा आपको मिल जाते हैं बैक पैनल पे लो लाइट सेंसर के साथ। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8MP का फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो स्मार्टफोन में दिया गया है MediaTek का Helio P22, जो थोड़ा ओल्ड प्रोसेसर है जिस वजह से ये स्मार्टफोन 4थे नंबर पे हमने रखा है। इस स्मार्टफोन के एंटूटू बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो वो यहाँ पे आता है 74,153 का। तो यहाँ पे आपको डिसेंट गेमिंग मिल जाती है। बाकी इस स्मार्टफोन की खास बात ये है कि इसमें आपको फ्रंट पैनल पे जो कैमरा दिया गया है वो इन स्क्रीन कैमरा यहाँ पे दिया गया है, जो इसके लुक को और भी डैशिंग बनाता है। प्राइस की बात करें तो इस स्मार्टफोन का प्राइस भी है 9,999। तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में जो स्मार्टफोन है वो है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला Moto G8 पावर लाइट। जी हाँ दोस्तों, एक मोटोरोला का भी मोबाइल हमारी लिस्ट में यहाँ पे शामिल हुआ है, और ये तीसरे नंबर पे क्यों है वो इस वजह से है क्योंकि स्मार्टफोन में लगा है MediaTek का P35 का प्रोसेसर, जो कि इसको गेमिंग स्मार्टफोन भी बनाता है। स्मार्टफोन में दी गई है 5000mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी और 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले। बैक पैनल पे है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16MP, 2MP एंड थर्ड वन इज 2MP। फ्रंट पैनल पे है 8MP का कैमरा। इस स्मार्टफोन में है 4GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। एंटूटू बेंचमार्क है 86,352 का, जो स्मार्टफोन को तीसरे नंबर पे लाने वाला बनाता है और इसको गेमिंग स्मार्टफोन की कैटेगरी में डाल देता है, जिस वजह से हमने इसे तीसरे नंबर पे रखा है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो और Redmi 8A के मुकाबले। Motorola G8 पावर लाइट की कीमत है 9,499 रुपये, जो भी एक डिसेंट प्राइस यहाँ पे बनता है। दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme C3, Realme का
पहला स्मार्टफोन जो हमारी लिस्ट में शामिल हुआ है दूसरे नंबर पे अपने धासु प्रोसेसर की वजह से, जो कि है मीडियाटेक का हीलियो G70। स्मार्टफोन में दी गई है 5000mAh की बड़ी बैटरी और 6.5 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले। इस स्मार्टफोन में है 4GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। बैक पैनल पे है डुअल कैमरा सेटअप, 12MP एंड 2MP का सेकेंडरी कैमरा। फ्रंट पैनल पे है 5MP का कैमरा, जिससे आप ठीक ठाक सी सेल्फीज यहाँ पे ले सकते हैं। गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंटूटू बेंचमार्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे है 1,83,523 का, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एंटूटू स्कोर बनता है गेमिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पे लेने के लिए, जिस वजह से ये दूसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में आया है Realme का C3। स्मार्टफोन की कीमत है 9,999 रुपये। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पांचों ही स्मार्टफोन में सबसे बेहतर स्मार्टफोन जो आने वाला है Realme की तरफ से, Realme Narzo 10A, जो इसको पहले नंबर पे ले आता है, इन सभी स्मार्टफोन को बीट कर रहा है यहाँ पे। इस स्मार्टफोन की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 8,999 रुपये, और जो आपको सब कुछ एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देने वाला है इस बजट में। स्मार्टफोन में आपको दिया गया है हीलियो का G70 मीडियाटेक का प्रोसेसर, जो अभी हमने Realme C3 में भी देखा था। सेम एंटूटू स्कोर यहाँ पे दिया गया है। इस स्मार्टफोन को हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिल जाता है, एक अच्छा कैमरा भी यहाँ पे आपको दिया गया है Realme C3 के मुकाबले। अच्छी गेमिंग तो हो ही रही है, कैमरा भी एक अच्छा यहाँ पे दे दिया गया है। रैम की बात करें तो 3GB की रैम यहाँ पे दी गई है, जो थोड़ी कम है Realme C3 के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बनती है प्रोसेसर और रैम को मिला के जो यहाँ पे अच्छी निकल के आई है। कैमरा भी अच्छा है, जिस वजह से Realme Narzo 10A पहले नंबर पे आता है, सभी को बीट करता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स का अंडर 10,000 बजट में, जो आपको मिल जाते हैं अपडेटेड जुलाई 2020 में। ये पांचों स्मार्टफोन हमने डिटेल स्टडी करने के बाद यहाँ पे आपके सामने रखे और ये बताया कि इन स्मार्टफोन की क्या रेंज हमने सेट करी है इनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। आपको क्या लगता है इन स्मार्टफोन की रेंज क्या हो सकती थी आपके हिसाब से, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे हिसाब से ये बेस्ट स्मार्टफोन की रेंज इस तरीके से यहाँ पे थी, जिसमें Realme Narzo 10A सबसे बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पे बना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा डिटेल स्टडी हमने यहाँ पे करके सारी चीज़ें आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी मेहनत यहाँ पे लगी थी इस वीडियो को बनाने में। और इसी तरीके की और भी अच्छी कंटेंट वाली वीडियो हम आगे लाते रहें, इसके लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड हैव अ नाइस डे।